हिजबुल्ला के भीषण हमलों के बावजूद इजरायली फौज लेबनान से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि पूरे इसराइल में हमले किए जाएं। आईडीएफ पर अल काफ़ज़ा के पास एक बहुत ही बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में आईडीएफ के कई जवान मारे गए और घायल हुए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक 16 अक्टूबर 2024 को शाम करीब 5:40 पर ओदेशे और मरकाबा कस्बों के बीच इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, तभी उनके ऊपर रॉकेट फायर कर दिए गए और इसी दौरान अयताल शहाब रम्याल क्वाजा के ट्रायंगल पर हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है। हिजबुल्ला के मुताबिक यहाँ पर आईडीएफ के एक हेलीकॉप्टर ने मृत और घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का कहना है कि इसी दौरान हाइफा के रामबन अस्पताल में 8 हेलीकॉप्टर उतरे, जबकि बाकी बेलेंसन तेलशुमेर अस्पताल में उतरे। इजरायल के चैनल 13 के मुताबिक कुल 44 सैनिकों को रामबन लाया गया, जबकि अन्य 5 को बेलेंसन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि अल काफ़ज़ा में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर मशीन गन से हमला किया, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने सफाद शहर पर भी रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर किया। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला के एक के बाद एक कई मिसाइल फायर होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सफाद में हवाई हमलों के सायरन बजने लगते हैं। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने यिफ्ता सेटलमेंट पर भी भीषण बमबारी की है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने रामिया शहर के पास आईडीएफ के एक मरकावा टैंक पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया और इस हमले के बाद उसके लड़ाकों ने कार्मेल सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर किया। और इस अटैक के कुछ ही देर बाद मिजगावम में जब इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, तब उनके ऊपर भी हमला किया गया। हिजबुल्ला का कहना है कि शाम होते होते उसने फिर से मिजगावम पर रॉकेटों का एक पूरा साल्वो फायर किया। और इस हमले के बाद जब आईडीएफ के जवान वादी हनून में इकट्ठा हो रहे थे, तो उन पर हिजबुल्ला ने एक बड़ा रॉकेट हमला किया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने दक्षिणी लेबनान में इसराइल के 2 ड्रोन्स पर जमीन से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से इन ड्रोन्स को पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद खालिद वारदे में जब आईडीएफ ने फिर से इकट्ठा होने की कोशिश की, तो उनके ऊपर भी रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर कर दिया गया।